गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ईआर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास टेंथ का साइंस का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं उनको हमें पढ़ना है। धीरे धीरे हमको समझ में आने लग जाएगा जब हम एनसीईआरटी पूरी एक लाइन मतलब एक एक लाइन करके समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आपको नोट्स जल्दी ही कराने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। इन क्लास नाइन्थ यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट, मतलब क्लास नाइन्थ में आपने बहुत सारे एलिमेंट की स्टडी की है, पढ़ा है आपने उसके बारे में। यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, मतलब आप देख चुके हैं कि जो एलिमेंट हैं उनको क्लासीफाई यानी अलग अलग किया जा सकता है मेटल और नॉन मेटल के बेस पर। किस बेस पर? मेटल और नॉन मेटल में किया जा सकता है। और किस बेस पर? उनकी प्रॉपर्टी के यानी उनके गुणधर्म के बेस पर। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ, आपने सोचना है आपने चारों तरफ कि मेटल का यूज़ क्या है और नॉन मेटल का यूज़ क्या है आपकी डेली लाइफ में। व्हेन प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक, व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट एज मेटल और नॉन मेटल्स, मतलब वो कौन कौन सी गुणधर्म है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो आप देखते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो जब भी आप कैटेगरी करते हो एलिमेंट की कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ दीज एलिमेंट, मतलब वो किस तरीके से किस प्रकार वो प्रॉपर्टी इनसे संबंध रखते हैं इनके एलिमेंट से। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल, मतलब अब क्या करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो चैप्टर 3.1 है पॉइंट वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल की भी और नॉन मेटल की। तो 3.1.1 मेटल्स, द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे ईजी सबसे आसान तरीका है ग्रुपिंग हम करते हैं उसको सबसे पहले हम कंपेयर करें अगर फिजिकल प्रॉपर्टी से तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं हम ग्रुप कर सकते हैं। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, चलो इसको पढ़ते हैं कुछ एक्टिविटीज़ को करके। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़, परफॉर्मिंग करनी है एक्टिविटीज़ कौन कौन सी 3.1 से लेकर 3.6। और कलेक्ट द सैम्पल ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, आपने कलेक्ट करना है सैम्पल किस किस मेटल का, आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, सोडियम का, लेड का, जिंक का एंड एनी अदर मेटल्स दैट इज ईजीली अवेलेबल, और बाकी जो मेटल है उनका जो आराम से क्या है अवेलेबल है। एक्टिविटी 3.1, टेक सैम्पल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, मतलब आपने सैम्पल लेना है आयरन यानी लोहे का, कॉपर यानी किसका तांबे का, एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैम्पल, अपीयरेंस मतलब वो किस कैसे वो दिखता है उसको आपने लिखना है हर एक सैम्पल को। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैम्पल, हर एक सरफेस जो सैम्पल है उसका सरफेस आपको क्या करना है साफ करना है बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर, जो रेगमाल होता है सैंड पेपर जो होता है उसको साफ करना है रबिंग करके उसके ऊपर घिस के। एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन, अब उसकी जो अपीयरेंस है कि वो कैसा दिख रहा है उसको दोबारा देखना है और नोट करना है। मेटल इन देयर प्योर स्टेट, जो मेटल होते हैं अपनी प्योर स्टेट में जो उनकी शुद्ध अवस्था होती है उसमें हैव अ शाइनिंग सरफेस, यानी उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है शाइनिंग होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटलिक क्लस्टर, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं मेटलिक क्लस्टर बोलते हैं। एक्टिविटी 3.2, टेक स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, आपने क्या करना है छोटे छोटे पीस लेने हैं लोहे के, कॉपर यानी तांबे के, एल्यूमिनियम के और मैग्नीशियम के। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको क्या करना है आपको इन मेटल्स को काटना है जो चाकू होता है उससे काटना है और देखना है अपनी ऑब्जर्वेशन को चेक करना है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम, अब आपने क्या करना है एक सोडियम का पीस को लेना है उसको पकड़ना है मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग, टोंग होता है मतलब उसको चिमटा होता है चिमटा उसको पकड़ने का काम आता है। सावधानी क्या है कोजन क्या है कि ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, मतलब सोडियम जो मेटल उसको केयर से पकड़ना है। ड्राई इट बाय प्रेसिंग, इसको ड्राई करना है सुखाना है बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर, इसको मतलब फिल्टर पेपर में रख के उसको फोल्ड कर लेना है। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास, मतलब इसको एक वॉच ग्लास शीशे मतलब कांच का जो ग्लास होता है उसके ऊपर इसको रख के उसको देखते हैं। एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ, अब इसको क्या करना है हमने चाकू से काट करने की कोशिश करनी है। What do you observe? आप क्या observe करते हो मतलब आपको क्या मिलता है। तो you will find that, आप find करोगे आपको पता लगेगा that matter are generally hard, जो metal होती हैं वो कैसी होती हैं hard होती हैं।
द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, मतलब जो हार्डनेस होती है वेरीज मतलब अलग अलग होती है, अलग अलग मेटल की अलग अलग हार्डनेस होती है, मेटल टू मेटल अलग अलग होती है। एक्टिविटी 3.3, टेक पीस ऑफ आयरन जिंक लेड एंड कॉपर, मतलब आपको आयरन जिंक लेड और कॉपर लेना है और प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times विद अ हैमर। मतलब आपने क्या करना है, एक मेटल को, उस मेटल को एक आयरन का जो ब्लॉक होता है उसके ऊपर क्या करना है, रखना है और उसको मारना है हथौड़ी से, हैमर से। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आपको क्या मिलता है, क्या दिखाई देता है। रिपीट विद अदर मेटल्स, सेम ये प्रोसेस क्या करना है, हथौड़ी से मारने का सारी मेटल्स पे करना है। और रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल, और आपने चेक करना है कि इनकी शेप चेंज हुई है या नहीं हुई है, और हुई है तो उसको रिकॉर्ड करना है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इन टू थिन शीट, आप देखोगे कि कुछ मेटल क्या होते हैं उनको शीट में बदला जा सकता है। और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी बोलते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल, कि जो गोल्ड है और चांदी है, सोना और जो चांदी है, गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा मैलेबल है। मतलब उनको क्या कर सकते हैं, उनको उनको पीट पीट के छोटी छोटी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.4, लिस्ट द मेटल हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ, मतलब उन मेटल्स के बारे में लिखना है, उनका नाम लिखना है। मेटल्स बोलते हैं धातु, उन धातु का नाम लिखना है जो क्या करते हैं आप डेली लाइफ में देखते हो कि किस किस का तार बना हुआ है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रोन इन टू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, मतलब एक योग्यता मेटल की यानी धातु की एक योग्यता टू बी ड्रोन इन टू थिन वायर, उसको पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सकते, इसी प्रॉपर्टीज़ को, गुण को बोलते हैं डक्टिलिटी। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, मतलब जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, मतलब उसके जो क्या कहते हैं तार है वो आराम से बन सकता है कि बनाया जा सकता है। और यू विल बी सरप्राइज, आपको यह जान करके आश्चर्य होगा टू नो दैट कि ए वायर ऑफ अबाउट 2 kilometer लेंथ कैन बी ड्रोन फ्रॉम 1 gram ऑफ गोल्ड, यानी एक जो वायर है 2 kilometer लेंथ का वो बनाया जा सकता है सिर्फ 1 gram सोने से। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मतलब इसकी मेलेबिलिटी इसके अंदर प्रॉपर्टी है और डक्टिलिटी दोनों है। और द मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड, और इसी की वजह से हम इसको अलग अलग शेप में बदल सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल, क्या आप जानते हो उन मेटल्स के बारे में जो बर्तन बनाने के काम आते हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स, क्या आप जानते हो कि ये जो वेसल्स है वो क्यों बनाते हैं वैसे। तो लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर, अब हम ये आंसर फाउंड करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एक्टिविटीज से पहले फिगर दिखा रखा है 3.1, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल जो होते हैं हीट के गुड कंडक्टर है वो दिखाया गया है। इसमें एक स्टैंड है, एक क्लैंप है, मेटल का वायर है और इसका एक फ्री एंड है और एक पिन है और एक वैक्स, यानी वैक्स क्या होती है, मोम है, और एक बर्नर लगा हुआ है जिसको बर्न किया हुआ है। तो एक्टिविटी 3.5 में टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम लेना है और या फिर कॉपर वायर लेना है और क्लैंप करना है जैसे दिखाया गया फिगर में, क्लैंप दिस वायर ऑन अ स्टैंड पर एज सोन इन फिगर 3.1, यानी 3.1 में जैसे दिखा रखा है। तो फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड, एक एंड पे तो क्या करना है आपने, पिन फिक्स कर लेना है और द वायर यूजिंग वैक्स, उस वायर पे क्या यूज़ करना है, वैक्स यूज़ करना है, मोम यूज़ करना है। और हीट करना है वायर को विद अ स्प्रिट लैम्प, एक स्प्रिट लैम्प होता है जो लेबोरेटरी में लैब्स में होता है, उसको कैंडल से क्या करते हैं, स्ट्रिप लैम्प जो है उस पर क्या, या फिर कैंडल से या फिर एक बर्नर से उसको क्या करना है, गर्म करना है जो क्लैम्प्ड है, प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्प, जहाँ पे भी इसको क्लैम किया गया है। अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होता है। तो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट, क्या जो मेटल वायर है वो मेल्ट होता है। द अबोव एक्टिविटीज शोज दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये जो एक्टिविटी है वो ये दिखाती है कि जो मेटल होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वो गलना शुरू हो जाए। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर, सबसे अच्छे कंडक्टर जो हीट के हैं वो सिल्वर है और कॉपर है, यानी चांदी और तांबा। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जो लेड है और जो मरकरी है वो सबसे कम कंडक्टर है हीट के।
अब डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो मेटल है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। अब हम देखते हैं आगे। तो देखो फिगर नंबर 3.2 में दिखाया गया है मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसमें बैटरी दिखाई गई है, बल्ब दिखाया गया है, स्विच दिखाया गया है, क्लैंप है, और इंसर्ट जो दिखा रखा है सैंपल टू बी टेस्टेड, जो जो आपने सैंपल टेस्ट करना है उसको इंसर्ट करना है इन दोनों क्लिप के बीच में, ए और बी के। तो एक्टिविटी 3.6 में सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2, मतलब आपने एक सेटअप करना है जो दिखा रखा है 3.2 में। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड, उस मेटल को प्लेस करना है ए और बी के बीच में सर्किट में, टर्मिनल जो दे रखे हैं जिनको भी आपने टेस्ट करना है, बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी एंड शोन। डज द बल्ब ग्लो, क्या जो बल्ब है वो जलता है? और वाट डज दिस इंडिकेट, और ये क्या इंडिकेट करता है, इससे क्या पता लगता है, क्या निर्देश देता है? तो यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर कैन द वायर दैट कैरी करंट, आप देख चुके हैं कि आप मतलब देखा होगा कि जो वायर होते हैं जो करंट को ले करके जाते हैं इन योर होम, आपके घर में हैव अ कोटिंग ऑफ पॉली विनाइल क्लोराइड, यानी PVC की उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, या फिर एक रबड़ के जैसा मटेरियल होता है उसकी कोटिंग होती है। तो वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंस, और वो जो होती है तो वो क्यों की जाती है, ये क्वेश्चन है। अब वाट हैपन वेन मेटल्स स्ट्राइक अ हार्ड सर्फेस, क्या होता है जब मेटल को किसी हार्ड सरफेस पर मारा जाता है? डू दे प्रोड्यूस साउंड, क्या वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ निकालते हैं? तो द मेटल मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, जब हार्ड सरफेस पर उसको मारा जाता है तो उसमें क्या होते हैं, वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, आर सेड टू बी सोनोरस, और इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। कैन यू नाउ से Why स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल, अब आप बता सकते हैं कि जो मेटल की जो स्कूल में बेल्स होती हैं वो मेटल की होती हैं, क्यों क्यों होती हैं? 3.1.2 नॉन मेटल्स, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं बहुत कम मेटल्स हैं, और एज कम्पेयर टू मेटल, मेटल के कंपेयर में सम ऑफ द एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं नॉन मेटल के, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये एक्सेट्रा। द नॉन मेटल आर ईदर सॉलिड, जो नॉन मेटल होते हैं या तो सॉलिड होते हैं और गैस, या फिर गैस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड, सिर्फ ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी, जो नॉन मेटल होते हैं उनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल, जैसे कि मेटल्स की होती हैं। लेट अस फाइंड आउट, अब उनको फाइंड करते हैं। तो एक्टिविटी 3.7 में कलेक्ट करना है सैंपल्स को, कार्बन यानी कोयला या फिर ग्रेफाइट को, सल्फर को और आयोडीन को, और कैरी करना है, कैरी आउट द एक्टिविटीज 3.1 टू 3.4 एंड 3.6, मतलब जो एक्टिविटीज़ की गई है वो करनी है विद दिस नॉन, अभी नॉन मेटल्स के साथ करना है, और रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन टेबल 3.1, जो आपकी ऑब्जर्वेशन दी गई है वो क्या करनी है, अपने टेबल में लिखनी है कि एलिमेंट कौन सा है, उसका सिंबल क्या है, उसका सरफेस कैसा है, उसकी हार्डनेस कैसी है, उसकी मेलेबिलिटी कैसी है, डक्टिलिटी है या नहीं है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं, सोनोरिटी है उसके अंदर या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड की गई है टेबल 3.1 में, तो उनके बेसिस पर डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास, आपने डिस्कस करनी है जनरल जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की और नॉन मेटल की। You must have concluded that we cannot group element according to their physical property alone. आपने देखा होगा, आप conclude कर सकते हो कि हम जो element हैं उनको group नहीं कर सकते उनकी physical property के base पर। तो as there are many exception, क्योंकि बहुत सारे exception हैं, for example, पहला कि all metal except mercury exist as solid at room temperature. मतलब सारे ही जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी है वो नहीं होती, वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। इन एक्टिविटी 3.5 में आपने देखा था कि यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई, आपने देखा कि मेटल के क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन बट गैलियम और जो सीजियम होता हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। और दीज टू मेटल्स, ये जो दो मेटल्स हैं, विल मेल्ट, मेल्ट हो जाएंगी इफ़ यू कीप देम ऑन योर पॉम, जब आप अपने हथेली पर उसको रखेंगे ना तो भी वो मेल्ट हो जाएंगे। और आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टरस, जो आयोडीन होता है तो वो नॉन मेटल लेकिन उसमें चमक होती है, लस्टर होती है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, कार्बन जो होता है एक नॉन मेटल है
दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट, जो कि अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, पाया जा सकता है, और ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप, और उसकी हर एक फॉर्म एक एलोट्रोप कहलाती है, अपर रूप कहलाती है। जैसे कि डायमंड है वो एक अपर रूप है, एन अपर एन ओलोट्रोप ऑफ कार्बन। इज द हाई हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, मतलब जो डायमंड है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है, नेचुरल सब्सटेंस है, और हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग, इसकी मेल्टिंग पॉइंट यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो गल जाए, और बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो उबल जाए, तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। और ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप है कार्बन का, ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट है वैसे तो वो नॉन मेटल है, और वो कार्बन का एलोट्रोप है, और वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को भी। फोर्थ अल्कलाई मेटल्स, जो लिथियम सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, और दे हैव लो डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, यानी वो हल्के होते हैं, एंड जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका वो भी बहुत कम होता है, यानी कम टेम्परेचर पर वो पिघल जाते हैं, उबल जाते हैं। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासीफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब जो एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, उनको अलग अलग किया जा सकता है, क्लियरली उसको क्लासीफाई किया सकता है मेटल और नॉन मेटल को उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। एक्टिविटी 3.8, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, मतलब आपने क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और कुछ सल्फर का पाउडर लेना है। अब बर्न करना है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन और कलेक्ट द एश फ्रॉम एज सो एज फॉर्म्ड एंड डिजोल्व देम इन वाटर, मतलब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, उसके बाद उसकी जो राख है, ऐश है, उसको जो बनी है उसको क्या करना है, इकट्ठा करके उसको पानी में मिला देना है। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, अब जो सॉल्यूशन है उसको टेस्ट करना है कि विद बोथ, जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर है उससे दोनों से चेक करना होता है। तो इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक, अब आपको चेक करके बताना है कि जो प्रोडक्ट उससे बना है, जिसको आपने पानी में मिलाया है, क्या वो एसिड है या फिर बेस है। नाउ बर्निंग सल्फर पाउडर, अब आपने क्या करना है, सल्फर पाउडर को बर्न करना है और प्लेस करना है टेस्ट को, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम प्रोड्यूस्ड, मतलब आप अपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसको बर्न करना है सल्फर को और कलेक्ट करना है उसकी फ्यूम्स को जो प्रोड्यूस हो रही है। एड सम वाटर, इसमें थोड़ा पानी मिला देना है टू द अबोव टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में उसको हिलाना है, शेक करना है, और टेस्ट दिस सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन को टेस्ट करना है विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, लाल और नीले लिटमस पेपर से। और इज़ द प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट है फॉर्म ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक, क्या है ये, इसको बर्न करने पर। और कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन, क्या आप इन रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिख सकते हो। तो मोस्ट नॉन मेटल, ज़्यादातर जो नॉन मेटल होती हैं प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, मतलब जितनी भी नॉन मेटल होती हैं वो क्या बनाती है, एसिडिक ऑक्साइड बनाती है जब उनको हम पानी में मिलाते हैं, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू अ बेसिक ऑक्साइड, जब हम मेटल की बात करें तो वो क्या बनाती है, वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय बनाती है। तो यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल्स ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन, अब इन मेटल ऑक्साइड्स को अगले सेक्शन में पढ़ोगे। तो 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन, हम जो मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, वो 3.2.1 और उससे लेकर 3.2.4 तक पढ़ेंगे। और फॉर दिस, इसके लिए कलेक्ट करना है आपको सैम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग कुछ मेटल्स के, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम के। 3.2.1 व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, क्या होता है जब मेटल को हवा में जलाते हैं। तो यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8, आप एक्टिविटी 3.8 में देख चुके हैं दैट मैग्नीशियम बर्न इन एयर, मैग्नीशियम क्या होता है, जब बर्न होता है एयर में विद अ डेजलिंग, मतलब जो चकाचौंध होती है, वाइट फ्लेम निकलती है। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्या सारे ही मेटल इसी तरीके से क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। तो लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, आगे जो एक्टिविटी है उसको चेक करके बताना है। तो एक्टिविटी 3.9, सावधानी क्या है, कोजन क्या है, कि द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट, इसके लिए क्या है, टीचर की ज़रूरत है। और इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन, और ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जो बच्चे हैं वो क्या है, आई प्रोटेक्शन, चश्मा वश्मा लगा लें। होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल टेकन अबोव विद अ पेयर ऑफ टोंग, अपने सबको क्या करना है, पकड़ना है जो चिमटा होता है उससे, टोंग से,
एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम, आप कोशिश करनी है उसको बर्न करने की, और रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल, जो अदर मेटल सैंपल है उसके साथ उसको रिपीट करना है, दोहराना है। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड, और वो जो प्रोडक्ट बना है अगर बना है तो उसको कलेक्ट करना है। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, जो मेटल सरफेस है और जो प्रोडक्ट है उसको क्या है, ठंडा होने देना है। और विच मेटल बर्न इजिली, आपको देखना है कि कौन सा मेटल है वो जल्दी बर्न होता है और आसानी से। वाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व वैन द मेटल बर्न, और जो फ्लेम है उसका कलर क्या होगा जब आपको मेटल को जलते हुए देखते हो, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, जो बर्न हो जाता है मेटल, मेटल बर्न होने के बाद कैसा दिखता है, अपीयर कैसा होता है। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, आपने मेटल्स को अरेंज करने हैं जैसे जैसे वो रिएक्ट हुई है ऑक्सीजन के साथ, तो उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पहले, उसके बाद उसका कम, इस तरीके से। आर द प्रोडक्ट सूटेबल इन वाटर, क्या वो सोल्यूबल इन वाटर, क्या जो प्रोडक्ट है वो वाटर में मिल सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं या जुड़ते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड, जब कॉपर को हीट किया जाता है एयर में, तो इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ये क्या करती है, ऑक्सीजन से मिल जाती है और टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, एक ब्लैक ऑक्साइड, मतलब क्या है, कॉपर ऑक्साइड बनाती है जो कि एक ब्लैक ऑक्साइड है, तो 2Cu plus O2 gives 2 कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है जैसे दिखाया गया है, तो 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2, आपने चैप्टर 2 पढ़ के आपको याद आया होगा कि हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कॉपर ऑक्साइड है वो कैसे करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन। तो वी हैव लर्नड, हम पढ़ चुके हैं दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं नेचर में कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं। बट सम मेटल्स ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती हैं सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, ये क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेवियर शो कराते हैं। सच मेटल्स ऑक्साइड, जो ये मेटल ऑक्साइड है, विच रिएक्ट विद बोथ, जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर, सोल्ट और वाटर को बनाने के लिए, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेस, एसिड से कैसे करता है और बेस से कैसे, दिखाया गया है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड यानी HCl से रिएक्ट करके दिखाया है, सोल्ट प्लस वाटर बनना है, और इसको बेस से एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH, तो इससे मिला रहा है तो सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है, सोल्ट और वाटर। मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो है आर सोल्यूबल इन वाटर, बहुत सारे जो हैं वाटर क्या है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज, मतलब कुछ मेटल्स जो होते हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं पानी में मिक्स होकर एल्काइल बनाते हैं सो सम, सो जो सोडियम ऑक्साइड है और जो पोटेशियम ऑक्साइड है डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज एज फॉलो, जो सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड होते हैं वो पानी में मिल करके एल्कलाइज बनाते हैं, जिसको क्या, जो कि क्या है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9, हमने 3.9 में क्या ऑब्जर्व किया कि दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती, उसी सेम रेट पे नहीं करती। तो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी, अलग अलग मेटल जो होती हैं अलग अलग रिएक्टिविटी को शो कराती हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में। मेटल सच एज पोटेशियम, कुछ मेटल जैसे पोटेशियम हो गया या फिर सोडियम सोडियम हो गया, रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ कैप्ट इन द ओपन, मतलब इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर उसको ओपन में रख दे तो आग लग सकती है उनमें। हैंस टू प्रोटेक्ट देम, इनको बचाने के लिए, एड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, जो ऐसी फायर है उसको लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दे आर कैप्ट, इनको जो रखा जाता है इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, मतलब मिट्टी के तेल के अंदर इसको रखा जाता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है उस पर, द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, जो सरफेस है मेटल का जैसे कि मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, लेड का एक्सेट्रा, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड, इस पर क्या होती है, एक थिन लेयर हो जाती है ऑक्साइड की। तो द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, जो उनकी लेयर होती है उन जो ऑक्साइड वाली, वो आगे मेटल को ख़राब नहीं होने देती, उसको रोक देती है। तो बट आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, जो आयरन होता है वो बर्न नहीं होता हीट करने पर, बट जो आयरन फिलिंग्स होती है वो बर्न हो जाती है विगोरसली विद व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्न, जब इसको बर्नर की फ्लेम में रखा जाता है। तो
कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं होता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। लेकिन जो कॉपर है जब उसको गर्म करते हैं तो उस पर क्या होता है, एक लेयर बन जाती है ब्लैक कलर की, जिसको कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसी सिल्वर और जो गोल्ड है वो डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस, जो एनोडाइजिंग है वो एक प्रोसेस है ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर, मतलब थिक ऑक्साइड लेयर बनाने की एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम डेवलप करता है थिन ऑक्साइड को, जो कि विच वैन एक्सपोज, जब इनको एयर में छोड़ा जाता है तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कोटिंग जो होती है उसकी मेक इट रेजिस्टेंट, वो रेजिस्टेंट बना देती है आगे कोरोजन ना हो, मतलब आगे वो मेटल ख़राब ना हो या ऑक्सीडाइज ना हो। तो द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव, इस रेजिस्टेंस को इम्प्रूव किया सकता है फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर, कि अगर जो मोट ऑक्साइड लेयर को और मोटा बना दे तो। तो ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, जब एनोडाइजिंग होती है, अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द, मतलब जो क्लीन नया जो आर्ट होता है मेटल होता है एल्यूमिनियम, उसके ऊपर एक एनोड की क्या की जाती है, मेड द एनोड एंड इट इज़ एक मेड बनाया जाता है, इसको एनोड के रूप में बनाया जाता है और उसको इलेक्ट्रोलाइज कर दिया जाता है, इसके ऊपर और जम जाता है जो एल्यूमिनियम होता है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी प्रेजेंस में। द ऑक्सीजन गेट इवोल्व एट द एनोड, जो ऑक्सीजन होती है वो एनोड पे होती है, रिएक्ट होती है एंड विद एनिमल एल्यूमिनियम के साथ टू मेक अ थिकर, ताकि एक थिकर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए ऑक्साइड की। दिस ऑक्साइड लेयर, जो ऑक्साइड लेयर होती है, कैन बी ड्राइड, इसको कलर किया जा सकता है ईजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश, ताकि जो एल्यूमिनियम आर्टिकल है उनकी जो फिनिश हो एक अच्छी लगे। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9, जब आप 3.9 एक्टिविटी को परफॉर्म कर लोगे तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैम्पल ऑफ मेटल्स टेकन हेयर, जो सोडियम होता है सबसे क्या होता है रिएक्टिव है, और द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज़ लेस, जो मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो लेस है, विगोरसली इम्प्लाइज दैट इट इससे, और इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम, और ये इतना रिएक्टिव नहीं है जितना कि सोडियम है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड, और हमें डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ, हम जब आयरन की, जिंक की और कॉपर और लेड की करते हैं तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लेट अस सी सम मोर एक्टिव रिएक्शन टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं, एक और एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, इनका ऑर्डर हमें पता लगा पाएंगे। तो 3.2.2, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करती है वाटर से। एक्टिविटी 3.10 में कोजन, जो सावधानी है, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट, मतलब इसमें एक तो आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। कलेक्ट द सैम्पल ऑफ द सेम मेटल एज इन एक्टिविटी 3.9, जो 3.9 एक्टिविटी है उसमें जो सैम्पल आपने लिया था वही आपने इसमें लेना है। पुट स्मॉल पीसीज ऑफ द सैम्पल सेपरेटली, आपने क्या करना है, जो सैम्पल दे रखे हैं उनको अलग अलग करना है, उन पीसीज को बीकर में, और हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर, उसको ठंडे पानी से मतलब भर देना है। अब विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, आपने देखना है कि कौन सी मेटल जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती है, और अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है ऑन देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर, कि वो कोल्ड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या कोई भी मेटल है उसमें कोई आग लगी है, और डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, कोई भी मेटल तैरना शुरू कर गई है कुछ देर बाद, और पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर, जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करी है उनको क्या करना है, आपने अब गर्म पानी लेना है, उसको फिल्ड कर देना है, हाफ फिल्ड कर देना है, और उसमें इन मेटल्स को पुट करना है, डालना है। फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, अब वो मेटल जो रिएक्ट नहीं कर रही है हॉट वाटर से, अरेंज द सेपरेट, आपने एक और लेना है सेपरेट एज शोन इन फिगर 3.3 में जो दिखाया गया है, और ऑब्जर्व करना है रिएक्शन को विद स्टीम यानी भाप से। विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, ऐसी कौन सी मेटल है जो स्टीम से भी मतलब भाप से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अरेंज करना है मेटल्स को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर, कि वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखना है। तो देखो 3.3 में एक्शन दिखा रखा है स्टीम का ऑन मेटल, मेटल के ऊपर क्या होता है, तो उसमें दिखा रखा है कि ग्लास वूल है सोक्ड इन वाटर, वाटर में मेटल का सैंपल ले रखा है, बर्नर है, स्टैंड है, कोर्क है, डिलीवरी ट्यूब है, और हाइड्रोजन गैस दिखा रखे है, वाटर और स्टैंड है। मेटल रिएक्ट विद वाटर, जो मेटल होती है वाटर से रिएक्ट करती है एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, और एक क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है
एंड हाइड्रोजन जो गैस होती है वो बनाती है। तो मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, वो मेटल ऑक्साइड जो वाटर में मिक्स हो सकती हैं।